असलम व्यूअर्स आप हाँ देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान अबरहमान आज डिस्कस करेंगे दुनिया की दूसरी बड़ी गाड़ियां बनाने वाली कंपनी ट्योटा को जो बिलाखर मजबूर हुई है और उसने ऐलान किया है कि वो दुनिया में सबसे तवील सफ़र करने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने जा रही है जी हाँ ट्योटा कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो हमेशा से इलेक्ट्रिक गाड़ियों के खिलाफ रही है और कहती रही है कि फ़िलहाल हाइब्रिड गाड़ियों की ज़रूरत है जो पेट्रोल पे चले साथ साथ अपनी बैटरी चार्ज करे और कुछ फासला बैटरी पे चले लेकिन दुनिया में जो ट्रेंड्स आ रहे हैं मॉडर्न दुनिया में तो 20 फीसद गाड़ियां मुकम्मल इलेक्ट्रिक पर चल रही हैं यानी कि वो सिर्फ बिजली से चार्ज होती हैं और उसी पर चलती हैं तो मजबूरन एक ऐसी कंपनी जिसका रेवेन्यू पाकिस्तान की 70 फीसद जी जितना है जी हां पिछले साल इस कंपनी ने दो बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू क्ट किया था पाकिस्तान की जीडीपी 341 बिलियन डॉलर्स की थी तो ये कंपनी भी दुनिया में आने वाली तब्दीली से बच नहीं पाई तो हम किस खेत की मोली हैं देखिए इतनी बड़ी कारपोरेशन जो दुनिया की दूसरी बड़ी गाड़ी बनाने वाली कंपनी है सबसे बड़ी वॉक्स वैगन है उसके रेवेन्यू जिससे ज्यादा है तो वो भी वक्त के साथ तब्दील होने पर मजबूर हुई है अब इन्होंने ऐलान किया है कि ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं ये बैटरी जो होगी इस गाड़ी की वो सिर्फ दस मिनट में चार्ज होगी और फिर एक हजार किलोमीटर तक वो ट्रैवल कर सकेगी आप समझ लीजिए में साहिवाल से लेकर तक आप सिर्फ एक दफा गाड़ी घर से चार्ज करके चलेंगे और वहां जाएंगे और सिर्फ यहां नहीं रुकेंगे 2026 तक इन्होंने ये टारगेट अचीव करना है और बाई दो हजार तक इन्होंने 1500 किलोमीटर एक चार्ज पे चलने वाली गाड़ी तैयार करते हैं और ये मुकम्मल इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी तो देख लीजिए दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है पाकिस्तान के पास भी बहुत बड़ा पोटेंशियल हम आगे जाके डिस्कस करेंगे लेकिन फिलहाल को बताते चले कि टियोटा ने अपनी एक बड़ी बीवी फैक्ट्री बनाई है जो कि फुल इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली फैक्ट्री है इसमें सत्रह लाख गाड़ियां सालाना तैयार हुआ करेंगी मजमू तौर पर इन्होंने पूरी दुनिया में पैंतीस लाख ,00 गाड़ियां तैयार करने का प्लान बनाया है और जो बैटरी पंद्रह किलोमीटर एक चार्ज पर चलेगी वो सॉलिड स्टेट बैटरी होगी वो भी इसी तरह 10 से 15 मिनट में चार्ज हो जाएगी इस वक्त दुनिया में जो तवील तरीन सफर करने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं वो है टेस्ला टेस्ला बाई जो कि 530 किलोमीटर तक चलती है अब यहां पर अक्सर लोग सवाल करते हैं कि जी इन गाड़ियों की बैटरी लाइफ कम होती है और बैटरी चेंज करवाने पर उतनी लागत आती है जितनी इन गाड़ियों की कुल कीमत होती है तो ऐसी बात हरगैस नहीं है अगर टेस्ला की बात करें तो कंपनी का क्लेम है कि उनकी गाड़ी तीन लाख किलोमीटर से लेकर पांच लाख किलोमीटर तक एक बैटरी पे ही चल सकती है इस हिसाब से बीस साल गाड़ी की उम्र हो तो वो पांच लाख किलोमीटर चलती है और आपकी जो चलाने की आदत है वो ज्यादा हो तब की बात है आपने देखा होगा आम जो पेट्रोल डीजल गाड़ियां होती है वो पचास हजार किलोमीटर की वारंटी के साथ आती हैं और तीन साल की वारंटी होती है इसका मतलब क्या हुआ कि सत्रह साढ़े सत्रह हजार किलोमीटर एक गाड़ी एक साल में चले तो तीन लाख किलोमीटर का हिसाब लगाएं तो कम अज कम दस साल आपको बैटरी चेंज करवाने की जरूरत नहीं है अभी हाल है बैटरियों का फ्यूचर में तो बैटरियों की लाइफ इससे ज्यादा बढ़ जाएगी और जो दुनिया में हालात चल रहे हैं दस साल बाद लोग वैसे ही गाड़ी बदल लेते हैं क्योंकि पुरानी गाड़ी हो जाती है टेक्नोलॉजी पुरानी होती है उसके दीगर मसाल उसके काम बहुत निकलते हैं तो अब आप बताइए आप मार्केट में जाइए आपको इस वक्त मार्केट में कितनी गाड़ियाँ पंद्रह साल पुरानी बीस साल पुरानी मिलने की बड़े शहरों में तो बहुत कम गाड़ियाँ ऐसी हैं जो आपको दो मॉडल छः मॉडल आठ मॉडल मिले गिनती की गाड़ियाँ होंगी तो अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ माशी हालात इस कदर ख़राब हैं वहाँ आपको ढूंढने से पंद्रह बीस साल पुरानी गाड़ी नहीं मिलती तो एक वो वक्त जब गाड़ी की लाइफ ही बीस साल हुआ करेगी तो उस हिसाब से टेंशन की कोई बात नहीं है अब बात करते हैं पाकिस्तान के लिए इसमें क्या पोटेंशल है ये वीडियो बनाने का मकसद एक तो हमारे नाजरीन को आगाही देना है जो हम गायब गए बताते हैं कि दुनिया में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज क्या आ रही हैं दूसरा हमारे वो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जिनके बच्चे अब स्कूल से कॉलेज में जा रहे हैं या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में जाने लगे तो उनको बताना है कि बजाय वो इस तरह की फील्ड में जाए जहां पर उनको बाद में जॉब ना मिले और वो डिग्री लेने के बाद डर डर की ठोकरें खाते फिरें जैसे सिविल इंजीनियरिंग है पाकिस्तान में ऐसा तो उसकी जॉब्स नहीं है बदकिस्मती से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पाकिस्तान में उस तरह जॉब्स नहीं है केमिकल इंजीनियर बेचारे बेरोजगार फिर रहे तो उसकी बजाय स्टूडेंट्स को इस तरफ आना चाहिए उनको बैटरी पैक्स बनाने चाहिए क्योंकि मॉडर्न दुनिया है और 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट साढ़े आठ सौ बिलियन डॉलर की हो जाएगी यानी समझ लीजिए अगले साढ़े छ सालों के अंदर एक साढ़े आठ सौ बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री वजूद में आने जा रही है और हो सकता है ये इसकी बजाय वन ट्रिलियन डॉलर की हो जाए जितनी तेजी से लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स शिफ्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रिक बाइक्स भी हैं गाड़ियां भी हैं बसेस भी हैं तो इस हिसाब से नौजवानों के पास टाइम है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएं और फिर स्पेशलाइजेशन जो करें वो बैटरी पैक्स में करें चार्जिंग स्टेशन के अंदर करें इलेक्ट्रिक मोटर्स के अंदर करें तो उनके पास फ्यूचर में जॉब्स के और अपना कारोबार करने के वसाइल बहुत ज़्यादा है अब पाकिस्तान के पास पोटेंशियल एक तो ये हो गया हमारे तलबा तो को इन फील्ड्स के अंदर ट्रेनिंग देने का फिर पाकिस्तानी ओवरसीज ने पाकिस्तान में अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाई है जो कि नूर ई के नाम से है पिछले साल चौदह अगस्त को लॉन्च की गई थी वो एक चार्ज में 210 किलोमीटर ट्रेवल करती है प्रोटोटाइप है छोटी सी गाड़ी है जैसे कल्टस है सुकी की उस टाइप की गाड़ी है या आ, एन वन जिन लोगों ने देखी है होंडा एन वन उस तरह की गाड़ी है हैचबैग उसको भी अपग्रेड किया जा सकता है लेकिन फिर मुल्क के माशालात ऐसे आ गए हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये गाड़ी अगले एक दो साल भी लॉन्च हो पाएगी होंडा जैसी कंपनी जो पाकिस्तान में तीन माह के अंदर अपनी एक सिविक गाड़ी नहीं बेच सकी इस कदर मुश्किल माशी हालात हैं, उनमें एक नई कंपनी का आना और यहाँ पर आकर मिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्ट करना एक वाकई जूएशी लाने के मुतारिफ है हम दुआगो हैं कि हमारे मदार कुछ अकल करें और मुल्क में स्टेबिलिटी आए तो ही एक कारोबार चलेगा ट्योटा का कहा जा रहा है कि वही पाकिस्तान में फैक्ट्री बंद कर रहे हैं एक लंबे अरसे के लिए तो इन हालात में फिलहाल मुश्किल मामला तो है लेकिन दो तीन साल में अगर पाकिस्तान अपने यहां टैक्स चोरों को पकड़ लेता है अमीरों से टैक्स निकलवाता है गरीबों को देता है नुकसान करने वाले इदारों पर काबू पाता है तो यही मुल्क अपने कदमों पर दोबारा खड़ा हो सकता है और पहले से ज्यादा ताकत इसके अंदर खड़े होने की अभी भी मौजूद है अभी तो दुनिया एक नई फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ चली है पाकिस्तान के बाद बहुत बड़ा पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक गाड़ियों का तो पोटेंशियल ये है इसके बाद अब सोलर इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं पहली गाड़ी तो लाइट ईयर जीरो बन चुकी है जिसकी छत जो है वो सोलर पैनल की है हमने इस पर डिटेल वीडियो बना चुके हैं आप स्क्रीन पर उसका थंबनेल देख सकते हैं और इस लिंक के ऊपर जाकर आपको क्लिक कर सकते हैं वो गाड़ी सिर्फ सोलर से चार्ज हो तो सत्तर किलोमीटर चल सकती है और एक दिन में औसतन शहर में इतनी ड्राइवी लोग करते हैं हाँ लॉन्ग रूट पे जाना हो तो बात अलहैद है आप उसको इलेक्ट्रिक पे भी चार्ज कर सकते हैं उसकी जो ट्रेवल की जो रेंज है वो चार पाँच सौ किलोमीटर है तो ये गाड़िया भी प्रोटोटाइप फेज में है। अगले पांच सात सालों में आपको ऐसी गाड़ियां में नजर आएंगी जो कि थोड़ा इलेक्ट्रिक पे चार्ज होंगी बाकी सोलर पे चार्ज होंगी और कई कई दिन आपको गाड़ी चार्ज करने की जरूरत ही पेश नहीं आएगी और सड़क पर चलती हुई गाड़ी हमारे जैसे मुल्कों में तो बहुत कामयाब है फिलहाल हम गाड़ी धूप से छुपा कर शेड में खड़ी करते हैं या दरख्त के नीचे खड़ी करते हैं ये ऐसी गाड़ियां होंगी सोलर पैनल वाली गाड़ियां जो हम धूप डूंढ कर वहां खड़े किया करेंगे तो टेक्नोलॉजी के मैदान में ऐसा पोटेंशियल आ चुका है कि हमारे जैसे मुल्क जिनके पास एक यूथ का बड़ा हिस्सा है आबादी का पैंसठ फीसद हिस्सा यूथ पर मुश्तम तो है जिनकी उम्र पैंतीस साल से कम है हुकूमत अगर इनको ट्रेन करें इनको कोर्सेज करवाए इनको डिप्लोमास करवाए इनको इंजीनियरिंग करवाए इनको पोस्ट डॉक्टरेट करवाए मॉडर्न फील्ड के अंदर जिस तरह इलेक्ट्रिक कार्स हैं बैटरीज हैं इनकी मोटर्स है चार्जिंग स्टेशन है और दीगर टेक्नोलॉजीज तो यकीन कीजिए ये पाकिस्तान ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी अगले छः सात साल में बन सकते हैं आज के लिए इतना ही अपने मेजबान अब्दुलरहमान को इजाजत दीजिए अल्लाह के बाद